ये है गौरव और ये है दिव्या। जिस तरह से एक दूसरे को ताड़ रहे हैं उससे हमें ये तो क्लियर है that they are in love। बट ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, इनकी शादी भी हो चुकी है। लकी राइट? अच्छा तुम लोगों की शादी अरेंज हुई थी या लव? अरेंज कैसे कर ली यार, मतलब तुम लोग मिले, दिव्या के हाथ की चाय पी और प्यार हो गया। लव हुई होगी ना तो खर्चा ही बच गया होगा, क्योंकि आधे रिलेटिव्स तो आए ही नहीं होंगे, है ना? और नहीं तो क्या, फिर जब डाइवोर्स लेना होता है ना तो मम्मी डैडी तो कह देते हैं तुमने की तुम समझो। एक्चुअली हमारी लव कम अरेंज हुई थी। ये तो वही बात हो गई कि वेजिटेरियन हूँ पर अंडे खा लेता हूँ। हेलो एंड वेलकम टू 9 PM विद नोनू। मैं हूँ कजिन भैया नोनू और आज के डिबेट का टॉपिक है वेयर इज द गुड न्यूज। जी हाँ, वेयर इज द गुड न्यूज। आज हमारे साथ जुड़े हैं गौरव एंड दिव्या। गौरव की मम्मी नमस्ते मासी जी, और दिव्या की इंदौर वाली कजिन स्मृति दीदी। नमस्ते। तो चलिए शुरू करते हैं, वेयर इज द गुड न्यूज। अरे 4 महीने हो गए शादी को, अभी तो कोई गुड न्यूज नहीं है। एक दिन मुझे फोन करके कहता मम्मी गुड न्यूज है, प्रमोशन हो गया मेरा। अरे प्रमोशन का क्या, मैं अचार डालूंगी? बच्चे पैदा करना जरूरी होता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। क्यों जरूरी होता है? सब करते हैं इसीलिए। ये कैसा रीजन हुआ? अरे तुम इतना काम करते हो, इतना पैसा कमाते हो, किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए मतलब क्या बकवास है ये? अरे बच्चे पैदा कर लो, फिर ये बच्चों वाली बातें बंद हो जाएंगी। ओके 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 मासी जी। अभी हम जाते हैं स्मृति दीदी के पास जिनका ऑलरेडी एक बच्चा हुआ है। स्मृति दीदी आप ही बताइए, बच्चा आने से कितना अच्छा हो जाता है लाइफ? स्मृति जी सो जा बेटा, सो स्मृति जा जी। ना 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 सो जा बेटा, सो जा प्लीज। ओके व्यूअर्स, उसी के साथ आज का डिबेट यहीं खत्म होता है। कल फिर से ज्वाइन करें हम ना, रोज ना, इसी टाइम पे ना, इसी टॉपिक पर डिबेट करेंगे जब तक गौरव और दिव्या हार नहीं मानते। सो जा बेटा, तब तक के लिए गुड नाइट शबक है और #टैग गुड न्यूज कमिंग सून। तूने अपना सरनेम चेंज नहीं किया? बेटा सारे खर्चे तू ही उठाता है या दिव्या भी तुझे हेल्प करती है? ब्रो रेंट तो तुम आधा आधा देते होगे ना, जैसे हम पीजी में किया करते थे। यार तू वो कॉलेज वाला गौरव नहीं रहा अभी। अपने कपड़े खुद फोल्ड करता है, कितना अच्छा है ना मेरा बेटा। खाना वाना बनाता है या तू ही सब करती है? अरे लहसुन भी काट के देता है, कितना अच्छा है ना मेरा लड़का। आंखों में अकेले बनने की खौफ चली गई है, तो काफी खुश लग रहा है, मस्त एकदम। ब्रो तू ठीक है ना? अरे देखो क्या तो फ्री बर्ड हूं तो मस्त। अरे तुझे क्या टेंशन है यार, गौरव का खुद का घर है मुंबई में, तेरी लाइफ सेट है ब्रो। नहाने जाता है तो अपना टॉवल भी नहीं मांगता है, कितना अच्छा ना मेरा लड़का। तुम लोगों का ना बहुत सही है, मतलब देखना राशन तू ले आता होगा, खाना दिव्या बना देती होगी, पर्दे के कलर को लेकर लड़ाई तो होती होगी, कुत्ते को तू घुमा देता होगा, पॉटी दिव्या बना देती होगी, एसी के टेम्परेचर को लेकर लड़ाई तो होती होगी, बिजली का बिल तू भरता होगा, वाईफाई का दिव्या भर देती होगी। कितनी सॉर्टेड है यार लाइफ। टीवी के रिमोट पे तो लड़ाई होती होगी। हाँ पर अकेला अकेला नहीं लगता होगा ना अभी? जब दो लोग हर वक्त साथ होते हैं तो घुटन नहीं होती है? नहीं लेकिन कुछ कुछ लोगों की बातें सुन के मुझे सॉलिड घुटन होती है। यार एक बात बता, शादी के 1 साल बाद भी स्पार्क रहता है क्या? मतलब मेरा तो लाइटर भी 2 महीने में जवाब दे देता है। ये YGHD में तो बोला था दैट शादी इज लाइक दाल चावल फॉर 50 इयर्स टिल यू डाई। तुम लोगों को डर नहीं लगता? दाल चावल के बीच में सेक्स तो कहीं मतलब? हाँ मतलब अगर ज्यादा दिन ना करें ना तो भूल भी सकते हैं कि कैसे करते हैं। एक्चुअली हम भूल गए हैं, तुम दोनों हेल्प करोगे क्या? हाँ दाल चावल में थोड़ा तड़का भी लग जाएगा। आज शादी करते हैं ना पोस्ट डिनर, व्हाट से?